फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेघाज होम किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रवा केसरी की रेसिपी। घर में कोई पूजा हो या नई बहू की रस्म, उससे कुछ ना कुछ मीठा तो बनवाते ही हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रवा केसरी की रेसिपी। चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमने इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हुए हैं। ये रवा केसरी सूजी के हलवे से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए मैंने महीन वाली एक कटोरी सूजी ली है, और एक कटोरी सूजी है तो डेढ़ कटोरी के करीब मैंने चीनी ली है, और आधी कटोरी देसी घी लिया है, और मैंने थोड़ा सा केसर है जिसे दूध में भिगोकर रख दिया है, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और किशमिश लिए है। आज का हलवा थोड़ा अलग तरीके का है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। एक चम्मच देसी घी में हम और इस घी में हम अपनी सूजी को भून लेंगे। ये बारीक वाली सूजी है, कोशिश यही कीजिए कि सूजी बारीक वाली हो, इससे हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे हम धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक भून लेंगे, जिससे सूजी का बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। भूनते भूनते 5-6 मिनट हो चुके हैं, और हमारी सूजी का कलर पिंक लाइट हो चुका है, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब एक उसी पैन को लिया है, अब उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब हम देसी घी डालेंगे, और उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट करके डालेंगे ना तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। पहले हम अपने यहाँ पे काजुओं को हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि किशमिश एक साथ नहीं डालेंगे ना, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए पहले हम अपने काजू को अच्छे से भून लेंगे। काजू हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें अब हम एक कटोरी सूजी है तो उसकी नाप से 3 कटोरी पानी डालेंगे। एक कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी। ये बिल्कुल सही माप है, इससे हमारा हलवा ना ही गाढ़ा और ना ही पतला बनेगा, बहुत ही अच्छा बढ़िया बनकर तैयार होगा। पानी हल्का सा हमारा बॉईल हो जाएगा, तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ध्यान रखिए एक साथ सूजी ना डालें, हल्के हल्के ही डालें। सूजी डालते टाइम आंच को बिल्कुल स्लो ही रखना है, और अब सूजी को अच्छे से पानी में डालकर चलाएंगे। देखिए कितनी अच्छा, एकदम से ना ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, ना ही एकदम पतला, एकदम बढ़िया बना है हमारा हलवा। अब इसके अंदर हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी हम यहाँ पे 2 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। 1 कटोरी सूजी ली है तो हमने नाप से 1.5 कटोरी इसमें चीनी डाली है। ये बिल्कुल सही नाप है, चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से चला लेंगे इसमें डाल के, जब तक कि डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। उसके बाद जो हमने दूध में डाल के केसर रखा था, अब इसमें वो ऐड करेंगे। केसर डालने के बाद हमारा रवा केसरी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसीलिए तो इसे कहा गया रवा केसरी, तो इसमें हमने केसर ऐड किया है। अब बस इसको थोड़ी देर हम ढककर पकाएंगे। लगभग 2 मिनट तक हमने इसको ढक दिया है, अब देखते हैं। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो हमने घी में रोस्ट किए थे। बस 1 मिनट और, फिर हमारा हलवा सर्व करने के लिए
रेडी है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको हमारा हलवा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।